वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छोटो को ढेर सारा प्यार बड़ों को पैरी पाना जी। गाइस अभी मैं उठ गई हूँ और टाइम हो रहा है 7:30। आज आरब को छोड़ के मैं आई हूँ स्कूल से, स्कूल छोड़कर मैं आई हूँ और अभी है टाइम एक पटियाला कप चाय बनाने का, फिर ब्लॉग एडिट करने का, फिर अपलोड करने का। तो चलिए अभी हम लगते हैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हुए, तो बनाते हैं चाय। और गर्मी का बहुत बुरा हाल है, मतलब मौसम बाहर काफ़ी बेटर है, लाइक धूप नहीं है, लेकिन जो पसीना है वो नहीं रुकता। बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा इस मौसम में बहुत स्वेटिंग होती है। चलिए चाय बनाते हैं और आपसे मिलते हैं। गाइस ये देखिए हमारी चाय बिल्कुल बनकर रेडी है। तो अभी है टाइम ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करने का। जिस दिन आर्मी का स्कूल होता है ना, उस दिन सुबह सुबह नींद की बड़ी बैंड बजती है सच में। चलिए अब जो ड्यूटी है वो तो पूरी करनी है, तो बनाते हैं चाय, पीते हैं और करते हैं ब्लॉग अपलोड। वेलकम बैक गाइस, मैं आपसे सुबह मिल चुकी हूँ और ब्लॉग अपलोड कर दिया, नाश्ता कर लिया, सो गए, सबको ऑफिस भेज दिया। अब काम की बारी है और ब्रूनो को भी मैंने खाना खिला दिया। मैं नीचे बैठकर खा रही हूँ खाना और ये महाशय जी सोफर पे चढ़ के आराम से बैठ जाते हैं और मैं फिर गिराइयाँ इसके मुँह में लेके इसे खिलाती हूँ। अब इसके पीछे पीछे भागना नहीं पड़ रहा, शायद इसको कम्फर्टेबल लग रहा है इसलिए। और मुझे कॉमेंट आया कि आप अपने ब्लॉग्स थोड़े से लंबे कीजिए क्योंकि बहुत शॉर्ट हो रहे हैं। यार आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बताऊं मैं ब्लॉग बना बड़ी मुश्किल से पा रही थी दो दिन से। एक दिन तो वो सोफे लाने के चक्कर में पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कल फिर हम लेट उठे तो मम्मी वगैरह भी आ गए और बच्चे, फिर मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइम लगता ही नहीं है एक्चुअल में, तो इसीलिए नहीं बन पाया। कान पकड़ के सॉरी, कोशिश पूरी होगी कि थोड़ा 8-9 मिनट का बना लूँ, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। देखिए इधर लगी हुई है, यहाँ पर सोफ़ा है, यहाँ हम बैठते हैं, यहाँ ये बाबा जी की फ़ोटो है। तो अब मैं फ़ोटो उतार कर दूंगी इधर, क्योंकि ये हमारे सर के ऊपर आ रही है, हमें टाइम देखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो घड़ी इधर जाएगी और ये फ़ोटो मैं लगाती हूँ इधर फटाफट। गाइस देखिए घड़ी यहाँ लगा दी गई है और बाबा जी की फ़ोटो यहाँ आ गई वॉल पे। तो चलिए अब ये काम हो गया, हम यहाँ बैठेंगे आराम से, तो हमें अब टाइम देखने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि आप टाइम देख रहे हैं 1 बजने वाला है और मुझे 1:20 तक घर से निकलना है आरब को लेने। तो अभी सफाई करनी है, झाड़ू पोछा वगैरह लगाना है और मोटर में ऑन कर रही थी, प्लग काम नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिशियन को लेकर आना पड़ेगा। तो ये भी एक पानी तो चाहिए यार, प्लग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, मोटर नहीं चल रही। तो चलिए मैं अपना काम निपटाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली सारा काम ख़त्म और अब मैं भाग रही हूँ आरब को लेने। बहुत बुरा हाल हो गया पसीने से और गर्मी से। आकर आराम से नहा धोकर और जो भी बनाऊंगी आपको दिखाती रहूंगी, नो नीड टू बी वरीड अबाउट। तो फटाफट जाती हूँ और आरब को लेकर आती हूँ और घर में धूप खत्म हो गई है पूजा वाली, वो भी लेकर आनी है। चलिए A few moments later. मैं आरब को ले आई हूँ और आते समय ना बहुत बैड वाली नीड थी लिम्का की, बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है गर्मी से, बैटरी को रिचार्ज करना है गर्मी में ठंडी ठंडी लिम्का। और ये देखिए हमारी ब्रूनी, और ये धुंधला क्यों हो गया क्लियर, ब्रूनी कैसे आरब को लाडी कर रहा है, ऊपर चढ़ गई ऐसे ही करता, देख रहे हो, और ऊपर पंखा ध्यान से, ये देखो ये हो गया प्यार भाई से, हो गया मिलाप आपका। चलो अब बिस्किट खाओगे आप, वो चिप्स तेरे लिए ना सूंघ रहे हैं। आते हुए ना मैं चिप्स के पैकेट भी ले आई जो ख़त्म हो रहे थे बिल्कुल। चलिए पीते हैं ठंडी ठंडी लिमका। गाइस फाइनली लिमका पी ली और आरब को खाना दे दिया मैंने। अब बारी है, मैं आपको अंदर वाला रूम दिखाती हूँ जिसका हाल ना बहुत ही मैसअप हो रहा है। सफाई हो चुकी है एक्चुअली, लेकिन ये ना पिलोज हमारे घर में इतने सारे हैं क्योंकि हम 4 लोग हैं और हम पिलो दो दो तीन तीन लेकर सोते हैं, तो सबके हिसाब से टोटल ऑलमोस्ट 10-11 पिलोज हैं। अब मैं इनको कहाँ रखूँ क्योंकि बाहर तो सोफे पे गद्दियाँ ऑलरेडी हैं, तो अब इनका अरेंजमेंट कहाँ करूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए गाइस ये देखिए गिनती के पिलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पिलो ये हैं और 2 मैंने अलमारी में रखे हैं, 10 पिलो टोटल। अब इनको मैं कहाँ सेटअप करूँ, ये यहाँ एक के ऊपर एक लगा दो तो पूरा पहाड़ बन जाता है, अलमारियों में जगह नहीं है। देखती हूँ और यहाँ पर भी चादरें बिछा दूँ, 2 दिन से चादर बिछाने का टाइम नहीं लगा मुझे। चलिए कुछ ना कुछ इन पिलोज़ का अरेंजमेंट करते हैं दिमाग लगाकर। ठीक गाइस मैंने अलमारी का एक खाना अभी खाली किया है और यहाँ पर पिलोज़ को सेट किया है क्योंकि इतने सारे पिलोज़ बाहर जो अभी यूज़ नहीं हो रहे उनको रखना तो फिर बहुत ही गंदा लगता है। अब इनके ऊपर जो कपड़े हैं वो आ जाएंगे। चलिए दिमाग और लगाते हैं। इस फाइनली अंदर वाला रूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा बना दिया, अभी सिर्फ 4 पिलो बाहर रखे हैं इमरजेंसी के लिए कि किसी को चाहिए हो रात को, तो बाकी पूरा रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। सफाई तो पहले ही हो चुकी थी बट अब साफ़ कर दिया गया और ब्रूनो का पिंजरा भी बाहर सेट कर दिया। तो ब्रूनो की हरकत दिखाती हूँ, ये देखो मैं उधर रूम ठीक कर रही थी ना, ये अंदर से कोई थैली ले आया है और उसके कुतरे कुतरे करने में लगा, देखो इसको पता कि मैं पकड़ने लगी हूँ ना, देख रहे हो आप इसको, ला इधर दे, लाओ इधर ब्रूनो, ये देखो ये देखो ये देखो पूरा टुकड़ा इसने मुंह में डाल लिया और अब इसको पता है इसको लपड़ पड़ेगी एक जोर से, निकालो मुंह से निकालो। ये देखिए गाइस ये इसको मौका लगना चाहिए थैलियाँ खाने के लिए, माँ तो कुछ खाने को देती नहीं कुत्ता। पिंजरा आराम से सेटअप कर दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जगह काफ़ी है, आराम से सेटअप हो गया।
फाइनली मैं बहुत टाइम पे रेडी हो गई, बस अब ब्रूनो को खाना खिलाने लगी हूँ और सारा काम निपट गया। अंदर का रूम भी ठीक कर दिया, ये बाहर कोई आ रहा है तो चलिए अब इसको खाना खिलाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हो गया लड़ाके, कौन है, चलो अंदर आओ खाना खाओ। ये रहा ब्रूनो का खाना और ये रही मेरी ब्लैक कॉफ़ी गर्मा गर्म। तुझे अभी अंदर नहीं जाना, आजा खाना खाना है। कितना बदतमीज़ है, देख रहे हो आप, खाना खाने का नाम लिया तो पिंजरे में जाके घुस रहा है। वो देखो आप, ये देखो इसको, कि मतलब मुझे खाना नहीं खाना, आजा बाहर, बाहर आजा। 2000 years later. Guys, अभी हमारे सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए थोड़ा सा रसना ऑरेंज। ठंडा ठंडा पीकर हम निकलते हैं बाजार कुछ सामान लेने के लिए। और आज रात को मैंने बनाना है चिली पनीर, तो शिमला मिर्च पड़ी है बट पनीर नहीं है, तो पनीर लेने जाना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा सामान नहीं लाना। तो चलिए बनाते हैं ठंडा ठंडा ऑरेंज रसना। मैं अभी बाजार से होकर आई हूँ और मैंने आपको बताया था कि मैंने पनीर लेने जाना है और मैं पनीर ही नहीं लाई, बाकी मैं सब कुछ ले आई हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम तो गाइस देखिए, हम अपना किसी का भी एक रुपया कभी मारते नहीं, एक रुपया नहीं मारते और अपने हक का छोड़ते भी नहीं है। तो अब मैं क्या क्यों कहाँ कैसे वो सब पूरी कहानी आपको नहीं बताने वाली, चलो कोई बात नहीं। बट मैंने वसूली कर ली, तो मैं सामान क्या क्या लाई हूँ आप ये देखिए। ये मैं लेकर आई हूँ चिली चटका लच्छा जो भी है व्हाटएवर, दो पैकेट ये नट क्रैकर्स, सॉल्टेड पीनट्स जो मेरे हस्बैंड के फेवरेट है और मेरे भी, ये खट्टा मीठा नमकीन इशू तेरे लिए 3 पैकेट ठीक है। और ये लाई हूँ मैं 1 किलो ढोकला, ये रसमलाई और ये आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, फाफड़ा ठीक है, और कल मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद। तो ये सारा अमाउंट मैं उतने का ही लेकर आई जितना मेरा एस्टिमेट बनता था और मैंने अपना हिसाब पूरा क्लियर कर लिया। फाइनली गाइस बच्चों के साथ पेट पूजा हो गई, अब तो मेरे खाने की छुट्टी हो गई। अगर मेरा मन किया तो थोड़ी सी खिचड़ी बना रही हूँ ब्रूनो के लिए, तो वही मैं भी खा लूँगी अगर भूख लगी तो, क्योंकि ना ढोकला वगैरह खा के पेट भर गया। तो अभी कुछ खाने की हिम्मत नहीं और बच्चे भी मना कर रहे हैं कि आप चिली पनीर रात को मत बनाओ, हम नहीं खाएंगे, तो सुबह बनाना ताकि लंच में ख़राब ना हो। तो चलिए कोई बात नहीं, चिली पनीर सुबह बन जाएगा, अब बस हस्बैंड का वेट हो रहा है वो आ जाएँ, तो खाना वाना हम लोग निपटाएँ। और अभी मैं मशीन लगाने लगी हूँ और ब्रूनो बैठ गया मेरे पैरों के पास आके, ये देखिए आप देख रहे हैं उधर बैठा हुआ था, यहाँ आके बैठ गया। अब इसको भूख लगी होगी तो इसके लिए खिचड़ी बनाते हैं फटाफट। मैंने आपको बोला था ना कि मुझे पता नहीं होता कि मुझे कभी भी भूख लग सकती है, और मैंने ब्रूनो के लिए जो खिचड़ी बनाई थी वही मैं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे हल्की हल्की भूख लग गई थी तो रोटी सब्जी कुछ खाने का मन नहीं था। खिचड़ी दही और अचार, ये देखिए ये है मेरा अभी डिनर, खिचड़ी दही और अचार। तो अब हम करते हैं ब्लॉग को खिचड़ी दही और अचार के साथ एंड। आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और आई होप कि 7-8 मिनट का शायद बन गया होगा, पता नहीं, वो जब एडिट करूँगी तब पता चलेगा। तो इसी तरह से हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।